हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर से आपका एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। और यहाँ पे हम फिर से मैं पे हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देंगे और ये आपके सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी तैयारी है, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं सब में इससे जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हिस्ट्री के जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसमें एक एक करके देखेंगे और इसको समझेंगे भी। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा, और देखिए इसके पिछले वीडियो में मैं आपको बहुत सारे जो कि हिस्ट्री के प्रश्न भी बताया हूँ उसको आप जोर से देख लीजिएगा। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका यहाँ प्रश्न आ जाएगा कि आर्य शब्द इंगित करता है, मतलब कि जो आर्य लोग थे ठीक है, वो आर्य शब्द जो है वो इंगित करता है भाई किसको इंगित करता है। ए में मार दिए गए निर्जाति समूह को, भाषा समूह को, यायावरी वंश को और यहाँ पे श्रेष्ठ वंश को। तो देखिए जो हमारे आर्य शब्द थे वो मतलब जो आर्य हैं वो क्या थे, वो श्रेष्ठ वंश थे ठीक है। तो ये हमारा श्रेष्ठ हो जाएगा। ओके क्लियर। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको एकदम छोड़ना नहीं है ठीक है। देखिए क्या हमारा दूसरा पूछा गया कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किसी एक पतन से संचालित होता था ठीक है, मतलब कि गुप्त काल के समय जो व्यापार था किसी एक पतन से इसमें संचालित होता था, मतलब किस पतन से संचालित होता था ठीक है। तो हमारा जो ताम्रलिप्ति है ठीक है, इसी के द्वारा जो कि संचालित होता था। और यहाँ पे जो कल्याण है, बड़ौच है, काम्ब्रे है, इसके द्वारा नहीं होता ठीक है, हमारा ताम्रलिप्ति के द्वारा होता था, इसी के द्वारा जो कि गुप्त काल के दौरान जो कि उत्तर भारत में जो भी भारतीय व्यापार होते थे ठीक है, उसको इसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ओके, तो ये हमारा ताम्रलिप्ति इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखिए, एकदम इसको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे तीसरा वाला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है ठीक। देखिए हमारे यहाँ पे पहला कि जहांगीर जो है वो यहाँ पे विलियम हॉकिंस, मतलब कि विलियम हॉकिंस जो है वो जहांगीर के समय में आए थे, तो ये हमारा बिल्कुल ही सही है ठीक है। यहाँ पे अकबर जो है सर थॉमस रो, तो यहाँ पे थॉमस रो जो है वो अकबर के समय आए थे, तो ये हमारा जो कि गलत है। ओके, ये हमारा जो कि जो थॉमस रो है ना वो अकबर के समय नहीं आए थे, वो जहांगीर के ही समय में आए थे ठीक है। मतलब दोनों लोग जो है ये हमारे जहांगीर के ही समय में आए थे, और ये जो शाहजहाँ यहाँ पे ट्रैव नियर जो है हमारे यहाँ पे, ये हमारे शाहजहाँ के समय में आए थे, ये हमारा सही है। और यहाँ पे औरंगजेब के समय में मनुकी, यहाँ पे मनुची होगा ठीक है, मनुची, तो यहाँ पे इसके समय में ये आए थे। ओके, तो ये जो यात्री हैं ये इसी के समय में आए थे, बस ये जो अकबर के समय में ये सर थॉमस रो जो नहीं आए थे ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि सही सुमिलित नहीं है, ये हमारे जहांगीर के समय में आए थे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, तो हमारा ये जो बी वाला है वो राइट है। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है कि काव्य भित्ति व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था, मतलब कि ये जो हमारा काव्याभिव्यक्ति है इसके रूप में, मतलब उर्दू का जो पहला व्यक्ति है, मतलब कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने उर्दू का पहले प्रयोग किया था ठीक है, वही आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे कौन सा जगह हमारा, तो यहाँ पे आमिर खुसरो, बहादुर शाह जफर, मिर्ज़ा गालिब और यहाँ पे फैज़, तो इसमें कौन सा हमारा राइट है, तो हमारे ये जो आमिर खुसरो हैं इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे जो उर्दू का यहाँ पे प्रयोग किया था ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल ही राइट है, आपको क्लियर हो गया होगा। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, आप इसी प्रकार के अगर और भी प्रश्न आपको देखने हैं इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और भी जोर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम और भी ऐसे आपके हिस्ट्री के रिलेटेड और भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दिया गया आपको ऑप्शन, इसमें से कौन से व्यक्ति है, मतलब इसमें आपको क्रमानुसार बताना है ठीक है। यहाँ पे आपका यहाँ पे देख रहे हैं कलानुक्रम यहाँ पे दिया गया है, मतलब इसमें आपको मतलब आगमन जो बताना है, सबसे पहले कौन आया था फिर उसके बाद कौन आया था, इस प्रकार से ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले कौन है, यहाँ पे फायन, इत्सिंग, मेगास्थनीज और वेनसांग। तो देखिए सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले कौन आया था, मेगास्थनीज ठीक है, सबसे पहले कब आए थे, मेगास्थनीज, और वो किस समय में आए थे, तो 304 ईसा पूर्व में लगभग ये आए थे ठीक है, मतलब ईसा मसीह के 304 ईस्वी पूर्व ठीक है। तो इस प्रकार से, तो हमारा फर्स्ट में हमारा ये हो जाएगा, मतलब तीसरा वाला पहला हो जाएगा, उसके बाद से हमारा फायन, उसके बाद से हमारा वेनसांग, उसके बाद से इत्सिंग, क्योंकि हमारा जो कि मेगास्थनीज के बाद हमारा फायन जो है वो हमारा 405 में आए थे ठीक है। उसके बाद जो हमारा वेनसांग है, तो वेनसांग भाई कब आए थे, तो ये लगभग हमारे 627 ईस्वी में आए थे ठीक है, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में आए थे। ओके, उसके बाद से हमारा इत्सिंग जो है वो हमारा 672 ईस्वी में लगभग आए थे। ओके, तो मतलब आप देख लीजिएगा, मतलब इतना ही होगा लगभग ठीक है। तो ये हमारा कौन सा जगह, तो सबसे पहले यहाँ पे जो थर्ड वाला है, फिर हमारे यहाँ पे फर्स्ट, और फिर यहाँ पे फोर्थ, और यहाँ पे फिर टू, तो हमारा कौन सा जगह, तो हमारा जो थर्ड यहाँ पे जो बी वाला हमारा है ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर ठीक है, थर्ड यहाँ पे फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर टू ठीक है। इस प्रकार से जो कि कलानुक्रम इसको आप देख लीजिएगा ठीक है, तो आपको एक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप नोट जरूर से कर लीजिएगा ठीक है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व
ठीक है, छठी मतलब छठी ईसा पूर्व शताब्दी के प्रारंभ में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। ठीक है, तो ये आपको बताना है, तो सबसे शक्तिशाली नगर राज्य कौन था यहाँ पे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ओके, तो कौन था भाई, तो हमारा मगध ही तो है। ठीक है, मगध जो है वो सबसे शक्तिशाली था। ओके, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ईसा पूर्व दूसरी मतलब 200 शताब्दी, मतलब यहाँ पे 100 दिया गया। ठीक है, शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो क्या हो जाएगा हमारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। ठीक है, मतलब भारत में जो यहाँ पे भारतीय यूनानी राज्य जो है अफगानिस्तान, उस समय में मतलब ये जो हमारा ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी है, इस समय में अफगानिस्तान में जो ये भारतीय यूनानी राज्य था वो कौन है, तो यहाँ पे दिए गए बैक्ट्रिया, जेड्रेसिया, सीथिया और यहाँ पे आर्या। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, तो इसमें हमारा जो बैक्ट्रिया है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व जो है ये हमारा अफगानिस्तान का जो कि प्रारंभ में एक भारतीय यूनानी राज्य था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवस्था लाया, मतलब कि सबसे पहले भारत में जो सैनिक शासन व्यवस्था है वो किसने लाया, ये पूछा गया इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे इसमें क्या दिए कि ये हमारे दिए गए ग्रीकों द्वारा, शकों द्वारा, पार्थियनों द्वारा या फिर मुगलों द्वारा, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, तो इसमें देखिए, तो सबसे पहले बार मतलब प्रथम बार कौन जो कि यहाँ पे शासन व्यवस्था व्यवहार में लाया था, तो वो ग्रीक हैं। ठीक है, कौन है, ग्रीक हैं जो कि यहाँ पे सबसे पहले जो कि सार्वजनिक शासन व्यवस्था को भारत में लाए थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एकदम बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पे सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से कौन सा एक शासन था, मतलब कि जब सिकंदर जो है वो आक्रमण कर रहे थे उस समय में भारत में कौन सा राजवंश जो है वो शासन कर रहा था, उन्हीं के समय में आक्रमण हुआ था, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा, नंदवंश, शुंगवंश, मौर्यवंश और कर्णवंश, तो इसमें कौन सा है, तो नंदवंश के समय में ही तो सिकंदर जो कि भारत पर आक्रमण किया था। ओके, तो ये आपको क्लियर कर लेना है, उसके बाद से मौर्यवंश आ गया। ओके, और फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया मौर्यवंश में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से कौन से किसने सरल और कारगर बनाया, मतलब कि सरल और कारगर किस मराठा शासन ने बनाया था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे संभाजी के मराठा जो है, मतलब इसमें से कौन है जिन्होंने सरल और कारगर बनाया था। ठीक है, ये को बताना है जो उनका शासन था, तो यहाँ पे राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई और यहाँ पे नानाजी यहाँ पे देशमुख, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हमारे जो कि राजा राम जी जो है, ठीक है, इन्होंने क्या बताया था, मराठा जो शासन था इसको सरल और कारगर बनाया था। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो ये आपको एकदम क्लियर कर लेना है, देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है और ये ही आपके इस प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रश्न है क्या भाई, कूट वाला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्या है हमारा, सबसे पहला विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासन, और यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण, और फुर्दकालियों का भारत आगमन, और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, तो इसमें आपको कालानुक्रम इसका बताना है। ठीक है, तो कालानुक्रम इसका कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें हमारा कौन हुआ था, तो सबसे पहले की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमारा आया था तो इसमें सबसे पहले कौन आए थे भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा काम हुआ था कुतुब मीनार का निर्माण भाई कब हुआ था, तो 1210 ईस्वी में आपको क्लियर होगा। ठीक है, 1210 ईस्वी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा 1210 ईस्वी। ओके, 1210 ईस्वी में जो कि यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। ठीक है, और उसके बाद से हमारे पे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, उसके बाद से फिरोज शाह तुगलक जो है वो हमारा 1300 में आए थे। ठीक है, तो ये हमारा 1388 में लगभग आए थे। ठीक है, आप देख लीजिएगा 1388 ईस्वी में। ओके, और इसके बाद से फिरोज शाह तुगलक के बाद हमारे कौन आए थे, तो यहाँ पे पुर्तगाली आए थे। ओके, कौन आया था, पुर्तगाली, तो ये हमारे कब आए थे, तो 1400 में लगभग कुछ आए थे, 1498 में कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी हमारा ईस्वी में, देखिए सब हमारे ईस्वी रहेगा। ठीक है, उसके बाद से हमारा लास्ट में कौन आएगा, तो यहाँ पे विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल। ओके, तो ये हमारे कब आया था, तो जो कि 1500 में लगभग आया था। ओके, तो 1509 से लगभग 1529 तक यहाँ पे चला था। ओके, तो 1529 से 1529 तक। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं, तो देखिए सबसे पहला इसमें हमारा अगर क्रम वाइज देखा जाए, कालानुक्रम इसको देखा जाए, तो कौन सा जगह सबसे पहला हमारे यहाँ पे कुतुब मीनार आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक आ जाएगा, तो सबसे पहले दूसरा हमारा हो जाएगा, फिर हमारा चौथा हो जाएगा, उसके बाद से पुर्तगाली मतलब तीसरा वाला हो जाएगा, तो हमारा पहला वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फटाफट से। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता के में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा
जग गुरु का कब पुकारती थी, तो ये आपको बताना है मतलब किसके धर्म निरपेक्षता का कारण, मतलब कौन सा ऐसे मुस्लिम शासक है ये आपको बताना है, ठीक है। तो उन्हें हुसैन शाह है या फिर इब्राहिम आदिल शाह, तो देखिए हमारे इब्राहिम आदिल शाह ही है, क्या है, जिन्हें यहाँ पे जगगुरु कहकर पुकारा गया है। ओके, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इन्हीं के धर्म निरपेक्षता के आस्था के कारण ही इन्हें जो कि यहाँ पे जगगुरु के यहाँ पे नाम से इसको जो कि पुकारा गया उनको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पे 13वां कि चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की। तो देखिए चोल में सबसे खतरनाक कौन था भाई, तो राजेंद्र चोल था, ये हमारे बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सिलोन पर चूंकि विजय को प्राप्त किया था, मतलब दूसरी बार में जब आया था तो राजेंद्र चोल सबसे खतरनाक था, ठीक है, दूसरी बार में, क्योंकि दो बार में आया था जो हमारा चोल था, ठीक है, जो दूसरी बार आए तो ये राजा बने। ओके, इस प्रकार से तो ये जो हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों टेराकोटा कलाकृति पर निरूपित नहीं हुआ था, ठीक है। तो कौन सा होता भाई, गाय का हमारा जो चिन्ह है वो निरूपित नहीं हुआ था टेराकोटा पर। ओके, मतलब जो पहले के हड़प्पा संस्कृति में जो मुहरे हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सा जिसने विदेशी में आधुनिक पद्धति दूतावास के स्थापित किया था, ठीक है। तो भाई कौन किया था, तो भाई इसमें कौन है हमारा, हैदर अली, मीर कासिम शाह आलम सेकंड, यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है, यही हमारे जो है वो इन्होंने विदेशों में आधुनिक पद्धति दूतावास को स्थापित किया था, ठीक है। तो ये हमारे जो 15 प्रश्न है हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। तो यहाँ पे आप टीपू सुल्तान के बारे में तो जान ही रहे होंगे, ठीक है, बहुत याद है, मतलब ये भी योग्य थे, ठीक है। तो इतना हमने यहाँ पे 15 प्रश्न को देख लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में और भी इसमें बहुत सारे प्रश्न है जिसको हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो होगा ना उसको ऑल पे जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब हम इसके और नेक्स्ट पार्ट का वीडियो अपलोड करेंगे ना तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।